मैं इस वक्त बागपत के हिसावदा गांव में हूं, और हिसावदा गांव में इसलिए हूं क्योंकि ये सतपाल मलिक जी का गांव है। सतपाल मलिक जी को याद होगा आप लोगों को कि वो समय समय पर काफी मुखर रहे हैं सरकार के खिलाफ बातचीत करने को लेकर। हालांकि एक वक्त था जब वो बीजेपी में थे, बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल भी रहे, अलग अलग ओहदों पर भी रहे, लेकिन उसके बाद में उनके समीकरण बिगड़े और अब वो बीजेपी के खासे बड़े आलोचकों में उनका नाम शुमार है। अब सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि जो सतपाल मलिक जी का ये बयान है, आज ये गांव है सतपाल मलिक जी का, उस बयान के बारे में क्या जाटों के अंदर सोच है? देखिए, वैसे तो बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अब चूंकि लोकदल और भाजपा का गठबंधन हो गया है, तो उस नाते से हिसावदा गांव बागपत जनपद में एक राजनीतिक हैसियत का गांव रहा है और बहुत ही अच्छे पदों पर यहाँ से लोग निकले हैं। हालांकि काफी प्रभाव सतपाल जी का गांव में रहता है, उनका आना जाना तो बहुत कम रहता है पर जुड़ाव है लोगों का। उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि इस बार कोई उत्साह नहीं है। अगर बागपत की धरती पर चुनाव के दौर में उत्साह नहीं है तो कोई ना कोई तो वजह है कि पहली बार इतने बड़े चुनावी समर में और नजदीक आ जाने के बाद भी आपको कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं दी, उदासीनता है। अच्छा, सतपाल मलिक जी के बयान पर क्या सोचे, इस गांव के लोग क्या सोचते हैं, उनके बयान को गंभीरता से लेते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि रीजन ये है कि आरएलडी के पीछे ज्यादा लोग हैं। चौधरी अजीत सिंह में ही लोग अपना नेता देखते हैं। अगर हम जाट समाज की बात करें या दूसरे समाज जो किसान समाज है, तो चौधरी अजीत सिंह में अपना नेता देखते हैं, चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो सतपाल मलिक जी जहाँ तक बात है, उनके अपने स्टेटमेंट है। गांव में मुझे मेरे व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष प्रभाव उस बात का नहीं पड़ने वाला है। ज्यादातर लोग आरएलडी के साथ जाएंगे और जहाँ पर वो गठबंधन होगा, अब गठबंधन है आरएलडी का और बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है झुकाव उसी तरफ है, मुझे लगता है। सतपाल मलिक जी के बयान को लोग गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे कि सतपाल मलिक जी का बयान जो था वो हकीकत का था। सतपाल मलिक जी ने एक ही बात कही थी, जाट हमेशा वर्तमान सरकार की नीति के खिलाफ रहता है। सतपाल मलिक जी का उस बयान से हम सहमत है। सतपाल मलिक जी ने कहा कि जाट समाज जो है वो विरोध करेगा, गलत चीज का विरोध करेगा, सत्य का साथ देगा। लेकिन ये समीकरण जो राजनीतिक समीकरण बागपत लोकसभा हुआ है आरएलडी का भाजपा, उसके बाद इस बयान के महत्व कम हो जाते हैं। अच्छा, तो कैसे कम हो जाते हैं भाई? कम ये होते हैं, जो विरोध करने वाली जो व्यवस्था थी वो सारी की सारी एक जगह चली गई, इसलिए सतपाल मलिक जी के बयान का अब कोई महत्व नहीं रहता। तो जैन चौधरी की भी वो मतलब कि आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि वो सत्ता के साथ में मिल गए। नहीं, अब तो वे चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो जैन चौधरी जी के साथ हैं। इसलिए जैन चौधरी को ही अपना जाट समाज अपना लीडर मानता है और बागपत जनपद की अधिकांश बिरादरी जैन चौधरी जी के साथ है, जिसे सतपाल मलिक जी के बयान का महत्व नहीं रहता। सही बात है, कोई महत्व नहीं, ना कोई महत्व नहीं इस बात का, पूरे जिले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस बात का। अगर सतपाल जी के बयान थे, क्यों यहाँ पे दो तरह की व्यवस्था है, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, दोनों एक साथ हैं, दोनों यहाँ की बड़ी सियासी ताकत हैं और अब एक साथ, अब एक साथ होगी तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा, हाँ, अगर सतपाल मलिक जी यहाँ पर आए, वोट मांगे दूसरे पार्टियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अब उनके कैंडिडेट ही तय नहीं, वोट किसके लिए मांगे। फिलहाल तो स्थिति है, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट तय नहीं। अच्छा,